पुराणों में कई स्थानों पर वास्तु दोष दूर करने के लिए चित्र, नक्काशी, मनोहारी आकृतियां आदि के उपयोग का वर्णन है। इसी तरह वास्तु शास्त्र में घर, ऑफिस या दुकान में हंस का चित्र या तस्वीर लगाने की बात कही गई है। यह जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली लाती है। आइए जानते हैं कि वास्तु में हंस की तस्वीर का क्या महत्व है और इसका चित्र घर में लगाने से क्या फायदे होंगे। यदि आप अपार धन और समृद्धि की अपेक्षा रखते हैं तो घर के अतिथि कक्ष में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाएं। हंस को एक बेहद ही पवित्र पक्षी माना गया है, अतः हंस की तस्वीर घर, ऑफिस या दुकान में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। हंस का चित्र घर या कार्यस्थल पर लगाने से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और लोग प्रसन्न रहते हैं। बच्चों की स्टडी टेबल पर हंस की तस्वीर जरूर रखनी चाहिए, इससे बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, ऐसी मान्यता है। अगर आप चाहते हैं कि पति पत्नी के बीच हमेशा सम्मान प्रेम बना रहे तो इसके लिए आपको बेडरूम में हंसों के जोड़े की तस्वीर लगानी चाहिए। अगर आप धन सुख समृद्धि की चाह रखते हैं तो आपको घर के हॉल में एक सफेद हंस की बड़ी सी तस्वीर लगानी चाहिए, क्योंकि एक हंस धन का प्रतीक माना जाता है। अतः अगर आप घर के हॉल में तस्वीर लगा रहे हैं तो एक हंस की ही लगाएं, दो हंस की नहीं। माना जाता है कि हंस की तस्वीर लगाने से धन की देवी माता लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती वहां रहने वालों पर प्रसन्न होती है। दुकान, घर या दफ्तर में हंस की तस्वीर लगाने से आर्थिक लाभ होने की बात भी कही गई है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।